पिछला ब्लॉक मतलब देखे थे कि हम लोग पाइप लोड किए थे और इस एरिया में क्या है कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि फांका एरिया है, जंगल वगैरह है। दोस्तों अभी हमारा वीडियो अपलोड हो गया है पूरा, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो चलिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों मेरा और जो कागज का हम बताए हैं कि एक और कागज बनाना है हमको, फिटनेस बोलते हैं उसको। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, मेरा आ गया चांस गाड़ी चलाने का, अब पापा हट गए, अब चलिए हम चलाते हैं गाड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहा है और हम लोग खाली करके निकल गए हैं। पिछला ब्लॉग में हम लोग देखे थे कि हम लोग पाइप लोड किए थे और इस एरिया में क्या है कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि फांका एरिया है, जंगल वगैरह है, तो उसके चलते हमारा जो है कि ब्लॉग जो है कि वो डाल नहीं पाए अभी तक। और हम लोग अभी तक चल रहे हैं तो हम लोग नेटवर्क ही देख रहे हैं कौन सा बाजार आएगा क्या आएगा, थोड़ा नेटवर्क भी हम लोग को वो ब्लॉग डालना है हम लोग को, तो नेटवर्क मिल नहीं रहा, बहुत जगह फांका जगह, लेकिन जगह में बहुत आनंद आ रहा है हमको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जरा देख सकते पूरा नदी है, पुल वगैरह है, ये सब देख के हमारा मन मतलब खुश हो जाता है एकदम, क्योंकि ये सब चीज़ देखने को जल्दी मिलता नहीं है शहर सिटी में, बीच बाज़ार में ये सब चीज़ नहीं, फांका जगह मस्त, धूप भी लग रहा है, धूप भी खा रहे हम लोग, देखिए मेरा गाड़ी भी खड़ा है, तो बहुत ही आनंद आता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और देखते हैं नेटवर्क जहाँ मिलेगा, तो हम लोग को पिछला ब्लॉग भी डालना है, काफ़ी टाइम भी हो जाएगा तो लेट हो सकता है। आप लोग पिछला ब्लॉग देखिएगा थोड़ा लेट भी मिलेगा, लेकिन आप लोग बता दे रहे हैं कि हम लोग अभी तक हम लोग को नेट भी मिल नहीं रहा हम लोग को। ठीक है दोस्तों अब निकलते हैं। अभी तो हम लोग नेटवर्क देख रहे हैं पर नेटवर्क अभी तक एकदम नहीं मिला, अभी भी जंगल ही है पूरा, ये देखिए अभी सिर्फ जंगल हम लोग पार कर रहे हैं, तो नेटवर्क हम लोग जैसे मिलेगा रुकेंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। करीब 5G भी मिल जाता है तो फिर लगता है टाइम, तभी आधा घंटा के आसपास में वीडियो अपना अपलोड हो जाता है अगर पूरा फुल टावर रहा तब तो। ठीक है दोस्तों अभी नेटवर्क पहले देखते हैं कहीं मिल जाए तो। दोस्तों उधर से आते आते अभी हम लोग कटघोड़ा से पहले एक पोड़ी बाजार बोलते हैं, मार्केट है ये छोटा सा, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमको नेटवर्क मिला 5G, मैंने उधर से पूरा करीब 80-85 किलोमीटर चलते रहे सुबह से, हम लोग कहीं नहीं मिला। अब हम लोग वीडियो अपलोड में लगा दिए हैं, अभी कम से कम 10-15 मिनट में चला जाए क्योंकि यहाँ 5G पकड़ रहा है, तो यहाँ पर 5G जहाँ मिलता है, तो यही समस्या कभी कभी हम लोग के साथ हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है। बढ़िया सीन उन तो अच्छा लगता है जंगल वगैरह पहाड़ी वाड़ी, लेकिन नेटवर्क नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों अब हम लगा दिए अपलोड में, हो सकता है कि 10-15 मिनट में मेरा जो है अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से निकलते भी हम लोग हैं, रायपुर भी जा रहे हैं, खाली गाड़ी जा रहे हैं, इधर कोई माल अपना हुआ नहीं, माल एक दूसरे ट्राई किए थे तो, लेकिन वो समय दे रहा था, हम उतना समय नहीं है क्योंकि कल हमको भी एक और भी काम है गाड़ी का। वो सेठ जी बोले हैं कि तो कि आप तो बाहर निकल जाते हो, तो एक काम क्या करो कि एक काम और है गाड़ी का, वो भी करा लो, अभी समय है मेरे पास जनवरी का अभी, नहीं सेठ जी बोल रहे नहीं करा के चले जाओ। दोस्तों अभी हमारा वीडियो अपलोड हो गया है पूरा, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो चलिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों मेरा और जो कागज का हम बताए हैं कि एक और कागज बनाना है हमको, फिटनेस बोलते हैं उसको, तो फिटनेस वो चीज होता है जो पहले नया नया गाड़ी में 2 साल का बन के आता था, लेकिन अब क्या है 2 साल के बाद 1-1 साल में फिटनेस होता था। वो क्या पूछते थे कि मतलब हमारा गाड़ी नेशनल में चलने लायक है कि नहीं है, ये सब जांच वगैरह होता है वहाँ RTO ऑफिस में जाके, तो गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, तो गाड़ी को लेके जाएंगे वो सारा चीज चेक करेगा हमारा कि हाँ रोड में चलने लायक है कि नहीं ये गाड़ी, तभी हमको फिटनेस करके देगा वो। तो दोस्तों हम भी वही काम करने जा रहे हैं, अपना गाड़ी को जाकर दिखाएंगे वहाँ और वो चेक कर लेंगे, उसके बाद हमारा भी फिटनेस हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग को 4 लाइन मिल गया, देखिए अभी तक सिंगल रास्ता में आ रहे थे, तो यहाँ से बिलासपुर वाला रोड है, तो आगे से भी थोड़ा सा मुड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों ब्रिज का काम चल रहा है, नहीं तो हम लोग सीधा सीधा भी आ सकते थे, तो ये मुड़ के आना पड़ा अभी। अब ठीक है, अब 4 लाइन मिल गया तो अब आराम से गाड़ी अपना लंबा चलते रहेगा, उधर का सिंगल रास्ता में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप एकदम आराम से इधर चलते रहेंगे, इधर तो हम भी चला सकते हैं, चलाएगा इसी रोड में चलाएगा, दिन भी है, खाली गाड़ी भी है और सीधा सीधा चलना, कहीं घूमना है नहीं, ठोकर वगैरह भी नहीं है, चलाएगा आगे से देंगे। तो ठीक है दोस्तों आज जा रहे हैं फिर हम चलाने के लिए, वो 16 चक्का गाड़ी बहुत चलाते थे महाराष्ट्र वाला रोड में, उधर रोड पूरा क्लियर था इसलिए ज्यादा मजा आता था, अभी भी इधर मिल रहा 4 लाइन खाली खाली, तो थोड़ा चला लेते हैं, सीख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, मेरा आ गया चांस गाड़ी चलाने का, अब पापा हट गए, अब चलिए हम चलाते हैं गाड़ी। दोस्तों अभी 4 लाइन तो आ गया है और
देख सकते हैं सागर देखिए गाड़ी चला रहा है अभी। उसी बीच में हम बैठे बैठे थोड़ा सा कल का जो है वो हम सोच रहे हैं कि हमारा गाड़ी कल फिटनेस कराना है और उसके बाद लोडिंग का भी देखना है, तो फिटनेस में अगर डेढ़ दो घंटा का बात रहे तो हो ही जाएगा लोडिंग का भी काम, और नहीं तो अगर दिन भर लग जाता है क्योंकि सरकारी काम में थोड़ा सा कभी लगता है उसे समय। दोस्तों अभी हम लगभग बिलासपुर पहुँचने वाला है और देख सकते हैं शाम भी होने ही वाला है, तो सागर अभी तक गाड़ी चला ही रहा है और गाड़ी मिल रहा है 55-50 किलोमीटर गाड़ी चला चुका है ये। अब क्या ये बिलासपुर सिटी आएगा तो फिर ये चेंज करना पड़ जाएगा, हम ही को बैठना पड़ेगा। इधर तो खुला खुला जगह है, चला ही लेता है, तो वो सब जगह पर देते नहीं है क्योंकि अभी भीड़ भाड़ में नहीं दे सकते हैं, दे सीख जाएगा ये देखिए शाम का टाइम है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं और करीब हम 80 किलोमीटर गाड़ी चलाए आज, 80 किलोमीटर चला लिए तो लगभग दोस्तों मतलब 79 किलोमीटर तो वो चला लिए है अब। अच्छा पापा यहाँ पे गए थे चाय पीने के लिए, चाय भी पी लिए है, शाम का टाइम हो गया, चाय पीने का टाइम आ गया था तो इसलिए चाय पी लिए, अब यहीं पे खड़ा अब निकलते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हमारा ड्यूटी चालू होता है। बोले ना अभी सोचेंगे क्या करना है। दोस्तों अभी तो हम पूरा सोच लिए है कि कल अभी हम यही प्लानिंग था कि रायपुर में रुके, रायपुर में रुकते तो फिर वापस गाड़ी घुमा के लाना पड़ता है फिटनेस के लिए, तो इधर ही कहीं सोच रहे बिलासपुर पार करके कोई अच्छा जगह देख के रात में रुकेंगे, फिर वहाँ सुबह उठ के क्योंकि नंबर लगाना पड़ता है फिटनेस के लिए, नंबर लगाना पड़ता है हमको, जो हमारा एजेंट है वो भी बताया हमको कि सुबह अगर जल्दी पहुँचिएगा तो जल्दी वहाँ से छुटिएगा, लेट से कीजिएगा तो लेट से होगा फिर, तो कोई बात है कल शनिवार है तो कल हम भी चाह रहे हैं मेरा काम हो जाए क्योंकि फिर संडे काम होगा नहीं, तो ठीक है दोस्तों चलते हैं, मेरा ड्यूटी चालू हो गया यहाँ से। दोस्तों हम लोग बिलासपुर पार कर गए, देख सकते हैं रायपुर रोड पकड़ने वाला है, ये नीचे पुराना रोड है अपना, ये नीचे रोड जो पुराना जा रहा है राय बिलासपुर के लिए, और ये ब्रिज जो बना है जब से ना तब से हम लोग के लिए बहुत आराम हो गया है क्योंकि बाहर बाहर हम निकल जाते हैं, नीचे एक और रोड है अगर रायगढ़ जाना है तो एक बाईपास और बन गया है, उधर से आदमी रायगढ़ निकल जाता है, रायगढ़ जहांगीर चापा काफ़ी ज़्यादा ये हाइट बना हुआ है, देख सकते नीचे और भी एक ब्रिज है, और देखिए अब यहाँ से हम लोग रायपुर के लिए मुड़ रहे हैं, नीचे का रोड जो है चापा जाना है रायगढ़ जाना है उसके लिए है वो, और अभी से ही मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं कि कुहासा चालू हो गया, हम लोग इसको तो कुहासा बोलते हैं, धुआं धुआं टाइप का दिख रहा है, अब आदमी को चलाना मुश्किल हो जाता है रात में गाड़ी, इसीलिए बहुत सा देखे हम रोड में कि डंपर गाड़ी जो होता है कोलेट होने वाला उन लोगों को तो भाई 2400 घंटा चलाना पड़ता है, तो वो लोग कई गाड़ी हम देखे रास्ता में एक्सीडेंट हो तो कुहासा चलते ही हुआ होगा, कोई गाड़ी खड़ा है या कोई ब्रेक मारा हुआ है उसके पीछे मार दे रहा है, तो अभी से ही कुहासा चालू हो गया, अब धीरे धीरे और अंधेरा पर आते जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग देखिए ताज होटल आ गए हैं, तो आज हम लोग रात में यहीं पे रुकना है। दोस्तों अभी ढाबा पे गाड़ी लगा दिए हैं और इस ढाबा पे क्या है कि अच्छा खाना देता है इसलिए हर बार यहीं रुकते हैं हम, इसीलिए अभी समय भी खाने का हो गया है, रात का 9 बज चुका है और यहाँ ज्यादा दूर जाना नहीं है, जहाँ फिटनेस होता है यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर और है, तो वहाँ रुकने से अच्छा है कि पता नहीं कैसा जगह है क्या है, तो जहाँ पर होता है फिटनेस वहाँ तो गाड़ी रुकता नहीं रात में, सब दिन में ही जाता है, तो हम यहीं पे रुक जा रहे हैं, यहाँ से सुबह उठेंगे फ्रेश व्रेश होकर के फिर सीधा गाड़ी लगा देंगे वहाँ, 6-7 बजे वहाँ गाड़ी लगाना है, तो ठीक है दोस्तों चलते ढाबे पे खाना खाते हैं अभी। दोस्तों अभी देखिए आज रात का हमारा खाना हो रहा है सेव भाजी और ये बैगन का भरता, ये पापा का फेवरेट है, यही मंगवाते हैं हमेशा, सिर्फ यहीं पे खाते हैं, यहाँ अच्छा बनाते हैं इसीलिए, और कहीं मिलता भी नहीं है, यहाँ हमको पसंद आता है, थोड़ा देख सकते हैं देने से लगेगा नहीं कि बैगन का भरता है, बहुत ही अच्छा बनाता है, शुरू से हम यहाँ पे आते थे जरूर हम खाते हैं ये। दोस्तों अभी खाना खा के आ गए हैं होटल के बगल में ही, मतलब रेडियम का दुकान है, वो कटिंग करके जैसा जो साइज है जो भी बनवाना है अपना साइज का, तो हमको थोड़ा अच्छा लगा ये, वहाँ देखे दुकान भी इनका लगा हुआ था तो हमको ये अच्छा लगा, मेरा भी जगह खाली था यहाँ पर तो हमको चलो हम भी लगवा लेते हैं, तो एक ये लगवा रहे हैं और एक उस साइड में, एक इस साइड में लगवा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मेहनत का काम तो है क्योंकि पहले तो क्या कि आदमी हाथ से करता था, लेकिन अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, जैसा मर्जी डिजाइन का बनवा लो, तो पहले सिर्फ हाथ से कटिंग वगैरह होता था, अब बहुत अच्छा फिनिशिंग भी होता है और कंप्यूटर भी बड़ा सा आ गया है इन लोगों के पास, मशीन काटने वाला जितना बड़ा जो बनवाना है, तो मेरा यहाँ देखिए जगह अभी खाली खाली लग रहा है, अभी वहाँ पर रेडियम लग जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा, और भी सोच रहे हैं वहाँ भी एक जगह खाली दिख रहा है, अगर वहाँ के लिए भी कुछ अच्छा मिलेगा तो वो भी लगवाते हैं, जाएंगे इनके दुकान में जाकर देखते हैं वहाँ के लिए क्या चीज है। दोस्तों ये मैं इस साइड भी लग गया, कंप्लीट हो गया मेरा, और ये हमारे सस्का भाई उस्ताद है, इनका गाड़ी
स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो लेकर भाड़ा में चलते हैं जी। तो यहाँ पर आए थे तो गाड़ी देख के पहचान गए थे ना? हाँ नहीं, आपको देखा उधर ना पहचान। हाँ वही रेडियम दुकान ही जा रहे थे, रेडियम देखने के लिए। अच्छा लगा सर आपसे मिल के, आपका चैनल सब्सक्राइब देखता हूँ, अच्छा लगता है देखने में। थैंक यू भाई। दोस्तों यहाँ दुकान में तो और भी सारा स्टिकर है, ये देखिए एक कलश वाला भी है, और ये सब ये जो अभी मोर वाला जो लगवा है, और भी ये लोग तो जितना जो चाहिए वो बना के दे देते हैं। तभी सोच रहे दोनों कलश भी लगवा लेते हैं। दोस्तों रेडियम तो लगे गाड़ी में, और खाना पीना भी अपना सब हो गया, अब जा रहे सोने के लिए। अब सुबह यहाँ से उठेंगे 4 बजे, अपना चल जाएंगे जगह पे, अपना फिटनेस करवाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे तो अभी भी जा सकते हैं, जनवरी तक मेरा समय है फिटनेस का, लेकिन करा के ही निकलना अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, हम फिटनेस कराएंगे। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।